बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज गल करांगे इन्हां दे ब्रीडिंग सीजन दी। परिंदियां दा ब्रीडिंग सीजन जिहड़ा वा कदों स्टार्ट हुंदा वा, की हिसाब किताब वा। गर्मियां दे विच इन्हां दीआं मट्टियां लानियां चाहीदियां नहीं लानियां चाहीदियां, इन्हां दे बॉक्स वगैरह लाने चाहीदे जां नहीं लाने चाहीदे, सारी गल्लबात थोड़े नाल मैं शेयर करांगा जी। अगर लाईए तां क्यों लाईए, अगर ब्रीड लैणी आ तां किवें लै सकदे आ, सारियां गल्लां दोस्तों थोड़े नाल शेयर करांगा। सब तो पहली गल यह है कि जो फुल ज़्यादा तेज़ गर्मी आती है ना, मतलब कि जून जुलाई का महीना आता वा, तो इन्हें जो तुम कोशिश करा करो इन्हों मटकियां वगैरह जड़ी ना ला दो। बेस्ट तो यही है अगर तुम कूलर पखा वगैरह का इंतजाम किया हो, कूलर पखा लगा सकते हैं, कमरा वगैरह छां तो मतलब कि इन्हों पिंजरे वगैरह है, मतलब कि धुप ना हो, गर्मी ज़्यादा ना हो ठीक है, तो फिर तुम इन्हों को ब्रीड लै लो, कोई टेंशन वाली गल नहीं हैगी एड्डी। तो ब्रीड देंदे भी है, अगर कूलर पखा लग्या मतलब कि टैंपरेचर जोड़ा वा इन्हों का कंट्रोल किया हो, अगर तुम टैंपरेचर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर कोशिश करा करो मटकियां इन्हों जड़िया ना मटकियां या बॉक्स आ वो ला दो, तो इन्हों रैसट दो, घट तो घट दो महीने जरा इन्हों रैसट देनी चाहिए आ। तो काफ़ी लोग है कि उन्होंने को मुख्तलिफ तरीके है, मुख्तलिफ तरीकों जी उन्होंने रैसट देंगे आ। कुछ लोग होंगे आ कि केज बई केज लगे हुए आ, उन्हां तो सिर्फ जड़ियां वा बॉक्स हो गया या मटकी हो गई ठीक आ वो ला देंगे आ, तो उन्होंने वे पिंजरिया छोटिया जी मतलब कि रहन देंगे आ। कुछ लोग जोड़े आ शिफ्ट कर देंगे आ, कलोनिया उन्होंने को लगिया होंगे वा रिंग वगैरह वह ला देंगे आ, हर परिंदे दे मेल फीमेल के जोड़े के हिसाब न रिंग लगे होंगे, जोड़े की पहचान होंगी उन्होंने भी आ जोड़ा वा आ मतलब कि रिंग इन्हें पाया वा एंदा जोड़ा हिसाब नी निशानी उन्होंने रखी होंगी आ। और जो सीजन आउट हों मतलब कि जून जुलाई का महीना जोड़े आते दो महीने गर्मी ज़्यादा सख्त गर्मी दे, वो जो मेल आलहदा छड़ देंगे आ, फीमेल जो अलहदा छड़ देंगे ता कि जोड़े आ एक दूसरे नाल क्रॉस वगैरह ना करन ठीक आ, तो मतलब कि लड़न वगैरह ना दे करके जरा ना वो इदा छड़ लेंगे। कुछ लोग जोड़े सिर्फ मटकियां या बॉक्स जोड़े ला देंगे उनके रहन देंगे, लेकिन बेस्ट तो यही आ कि तुम एक कलोनी भी लगाओ नाल, अगर तुम केज बाई केज लगाए हुए आ तो थोड़े को स्पेस जी खाली होनी चाहिए आ, जगह कलोनी वगैरह उनकी बनी हो कि कल परिंदे रेस्ट देनी आ, तो उनके वास्ते जरा उन्होंने कलोनी के छड़ दो। कलोनी छड़न का फायदा यह हो जाता वा कि उन्होंने दाना वगैरह पानी वगैरह देना बिल्कुल आसान हो जाता वा, तो उस बाद उन्होंने सॉफ्ट फूड हर चीज़ का ना ख्याल रखना, क्योंकि रैसट देने का मतलब यही आ कि अगर तुम उन्होंने अच्छी खुराक दो, उन्होंने अच्छी हिफाजत करो, देखभाल करो, खाना दा उन्होंने अच्छा दो ताकि उन्हों का अंदरला निज़ाम जोड़ा वा मजबूत हो सके, ताकत मतलब कि उन्होंने आ सके, फिर ही उनका फायदा वा उन्होंने रैसट देने का। अगर तुम उन्होंने उही बाजरा ही देना वा तो फिर उनका कोई फायदा नहीं रैसट देने का, फिर तुम ब्रीड ले जाओ तो या कट्ठे फिरते रहते तो भी कोई टेंशन नहीं हैगी। लेकिन मकसद यह है कि अगर खुले तुम छड़ते हैं कलोनी के तो उन्हें काफ़ी सारे इन्होंने परिंदियों फायदे होंगे या फायदा यह होंगे वा कि आपके पर वगैरह ये खोल लेंगे मतलब कि अच्छे नाल उड़ लेंगे आ, अगर चर्बी वगैरह भी हल्की फुल्की आ जाए उन्होंने तो चर्बी वगैरह भी जी दूर हो जाती उन्हों की, तो काफ़ी जड़िया ना उन्हों बीमारियां जड़ियाँ ना खत्म हो जाए, परिंदा खुश हो जाता, खुश होकर उड़ता वा फिर वा हर चीज़ जी ना वो फ्रैश हो जाता एक हिसाब का परिंदा, तो इस करके जरा रैसट जी लाजमी है जरूरी है, तुम दे भी सकते अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई टेंशन वाली गल भी नहीं हैगी, खुराक अच्छी हो ठीक है तुम कर सकते हो, सहूलत माइया उन्होंने कर दौ मतलब कि टैंपरेचर इन्हों का बराबर रख लो, तो उन्होंने कोई टेंशन नहीं हैगी, ब्रीड अच्छे ना लै सकते हैं। हुण यह जो जोड़ा वा माशाला मेरे को इनकी मैं मटकी जी लाई नहीं सी नाल लगी रही है गर्मियों भी, लेकिन यह है कि मैं कूलर पखा वगैरह नहीं दे सकिया नहीं ला सकिया, क्योंकि उदो मेरे को जगह जी मुनासिब नहीं है सी, मैं आरजी वैसे रखे सी, लेकिन यह जगह जी इन्हों की मुनासिब आ बिल्कुल जी फिट जगह मैं इन्हों वास्ते बनाती है, तो वीडियो भी मैं अपलोड की थोड़ा दिखा भी दिना कि एक लैदा मतलब कि ना मास्टर केज या कलोनी कह लो स्टैप बना के उनके मैं केज बी केज लाए हुए हैं, तो यह भी रखे वा। उस तो बाद इन्हों वास्ते कूलर पखा जोड़ा वा वो हर टाइम इतने चल रहा वा, मौसम सर जे मतलब कि ज़्यादा गर्मी हो लाजमी मैं चलाना वा, वैसे अगर ज़्यादा गर्मी हो आम टेंपरेचर हो वैसे पखा चल रहा वा, जगह गर्मी हो मैं पंप वगैरह जोड़ा वा इंता चला दिना वा ताकि इन्हों का जोड़ा ना टेंपरेचर कंट्रोल रहे, तो इस करके जोड़ा ना मैं मटकी वगैरह इन्हों की लाई नहीं, तो माशाला ये जोड़े आ ब्रीड इन्होंने शुरू करती आ क्रॉस वगैरह कर लग गए आ, तो माशाला बहुत जल्द जोड़ा ना अंडे वगैरह भी दे देंगे, क्योंकि हूँ सीजन इन्हों का शुरू हो गया वा अगस्त आने वाला वा तकरीबन अज जुलाई की ठीक आ, जुलाई महीने की जी 26-27 तरीक होगी तकरीबन, तो ये माशाला हूँ ब्रीड शुरू करती इन्होंने,
अगर तुसी भी मटकियां लाना चाहते हो कि कदों लानियां चाहीदियां वा, तो ये हुण ला सकते हैं मटकियां, क्योंकि इन्हां दा ब्रीडिंग जरा सीजन आ शुरू हो गया वा। माशाल्लाह यह भी जड़े परिंदे हुण ब्रीड वास्ते जिहड़े तैयार आ, इन्हां वास्ते भी कोई मटकी या बॉक्स जिहड़ा वा बना के लावांगे। कोशिश करांगा कि बॉक्स जिहड़ा मैं लगावां तो खुद बना के लगावां आपदे हत्थां नाल, कि बॉक्स की वीडियो भी तुहानूं शेयर की जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो बॉक्स बना के तो इतने लावांगे, इन्हां दी ब्रीड चेक करांगे। उस बाद जिहड़ा इहनूं मतलब कि पेयर नूं लैदा लैदा करना पएगा, क्योंकि एक पेयर ही इहदे विच रखना वा, दो पेयर नहीं रख सकते। सिर्फ वैसे रैसट वास्ते जां कहो पट्ठे सी हले मैं तां वैसे छड्ड दित्ते सी इहदे विच, ते मैं कहा चलो मतलब कि आपे जोड़े वगैरह जिहड़े अगर लगने होए तां लग जाणगे। तो तुहानूं पता ही आ कि मैं परिंदे जिहड़े ए मेरे को मिक्स इन्हां दी निकलदे पए आ बच्चे, ते वैसे पासे फोस्टर तौर मैं ना इस्तेमाल इन्हां नूं करांगा इंशाल्लाह। इन्हां नूं फिलहाल मैं लगा रहा वा, तो कोशिश हूँ मैं कर रहा मैं दोबारा फिशर माशाला लैन दे आ, ते अलबाइनो वगैरह तो मतलब कि इवें जो भी महंगे परिंदे हो भी इंशाला जो बहुत जल्द लैके आवेंगे, क्योंकि भी इन्होंने भी थोड़ा जहा मसला सीगा चर्बी वगैरह का, इस करके इन्हों मैं मटकी वगैरह नहीं लाई, क्योंकि अगर जो मटकी इन्हों ला दिता ये मटकी के बेची वड़ के बह जाते या बॉक्स लग्या हो इन चर्बी बहुत होर आती है, क्योंकि अगर नवे परिंदे आते हैं ना घर तो डरते जो भी कोल आने डर के भज के कुजी चढ़ जाते हैं वो बैठे रहेंगे या उनकी वजह तो जी चर्बी वगैरह ज्यादा इन्हों आती है। इस करके जो मटकी वगैरह ना मैं वैसे ही नहीं लगाई, तो इन्हों हले भी घट तो घट भी तकरीबन कोई 15 to 20 दिन जड़े हैं ना इन्हों मटकी हले नहीं लगानी, क्योंकि सीजन हालांकि शुरू आ तो ब्रीडर जोड़ा वा ये इन्हों का मतलब कि इलाज जोड़ा वा चल रहा वा चर्बी वास्ते, झोना वगैरह जोड़ा वा इन्हों मैं दे रहा वा, क्योंकि झोने नाल इन्हों की चर्बी जी खत्म होंगी है जल्दी, मतलब कि ये सही हो जाएंगे जिमें मतलब कि चर्बी इन्हों की खत्म होगी, तो माशाल्लाह ब्रीड दोबारा जोड़े आंडे बच्चे जोड़े वह लाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो क्योंकि दोस्त को सके तो उन्हें मैंने कहा कि बच्चे वगैरह नहीं कड़ रहे, तो उन्होंने मैं कहा मैंने तुम जोड़ा दे दौ, मैं उनको मतलब कि खरीद लिया परचेज किया, तो यह माशाल्लाह यह भी जोड़ा वा फिट आ, तो यह जो रिंग नेक हैगा वा ये देखो पर झाड़ रहा वा ठीक है। इन्हों का भी सीजन जोड़ा वा अगस्त तो बाद इंशाला जरा ना शुरू हो जाता वा, तो इन्हों भी तकरीबन अगस्त या सितंबर के बॉक्स वगैरह इन्हों देवे ताकि अच्छी ब्रीड करन, क्योंकि इन्हों भी सॉफ्ट फूड जोड़ा वा चने जी गंदम भगो के जरा मैं लाजमी दे रहा वा, तो तुम भी लाजमी दो, देखो गंदम जी मैं लिया हुई है, तो इन्हों लाजमी तुम दो, सीजन हो ना हो जरूरी आ, काफ़ी इन फायदेमंद अगर सीजन तुम दिने तो काफ़ी जरा ना फायदेमंद हों वा। गंदम नाल ये आ कि आंडे वगैरह भी ज़्यादा लाते आ, तो बच्चे जोड़े आ ज़्यादा मतलब कि निकलते भी आ, तो बच्चे ज़्यादा पालते भी आ, क्योंकि सॉफ्ट फूड हों वा चोक वगैरह जोड़ा देना इन्होंने बिल्कुल ईजी हो जाता वा, सौखा हो जाता, तो बच्चों की जी ग्रोथ वो भी अच्छी होंगी आ, बच्चे जोड़े हैल्दी तो एक्टिव निकलते हैं। तो मौसम के हिसाब न तुम इन मतलब कि बॉक्स वगैरह मटकियां वगैरह लगा दौ, कोई टेंशन वाली गल नहीं। अगर कई इलाकों गर्मी ज़्यादा वा तो वह हले मतलब कि कोई 15-20 दिन रुक जान, उस तो बाद लगान अगर मौसम थोड़े टेंपरेचर जोड़ा वा बराबर आ नॉर्मल आ, क्योंकि इतने साढ़े इलाके जरा बारिशा वगैरह हो रही वा काफ़ी, तो बारिशों की वजह तो जो मौसम है ना काफ़ी जोड़ा वो चेंज हो गया, मतलब कि गर्मी की शिद्दत जी खत्म हो गई है, गर्मी एड्डी ज़्यादा नहीं हैगी, तो परिंदे भी माशाल्लाह तुम देख सकते खुश आ ठीक है, हंभ नहीं रहे ठीक आ। तो इस करके जो माशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन शुरू आ, इन्हों तो मटकी ला दिती है ना, इन्हों भी लावे लेकिन कुछ दिन ठहर के, क्योंकि ये भी पट्ठे तो तैयार होए आ माशाल्लाह, यह जो जोड़ा वे लग्या होया वा बेस्ट हो गया वा, भी चोगा वगैरह दे रहे एक दूसरे को इंशाल्लाह, जोड़ा वा जो भी इन्हों मतलब कि बॉक्स वगैरह बनावे उनकी वीडियो थोड़े ना शेयर की जाएगी लाजमी। तो उम्मीद करता वा वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दौ, तो मेरे चैनल पर नवे आए तो मेरे चैनल भी सबसक्राइब कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।